नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी से हिबिस्कस प्लांट के ऊपर बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम आजकल है कि उनके हिबिस्कस के प्लांट जो है वो अच्छे ग्रो नहीं कर रहे हैं, अच्छे ग्रो कर रहे हैं तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर फ्लावरिंग बड आ रही है तो वो गिर जा रही है। तो आज इसी टॉपिक पर आज आप सभी से पूरी बात करने वाला हूं। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वो दोस्त जो मेरे इस वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियो में आप सभी से जो है अपने हिबिस्कस का एक कलेक्शन शेयर किया था। उसमें मैंने मल्टीपल पेटल के जो मेरे पास हिबिस्कस हैं उनको मैंने नहीं दिखाया था। आज मैं आपको इस वीडियो में जितने भी प्लांट दिखाऊंगा वो मेरे मल्टीपल पेटल के जो हिबिस्कस हैं उन्हीं का कलेक्शन है। ये मेरे रेड कलर का मल्टीपल पेटल का जो है वो गुड़हल का पौधा है। बहुत अच्छी ग्रोथ इसके अंदर हो रही है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों, गुड़हल का जो पौधा होता है, समर का सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है मार्च से ही, इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जनरली इंडिया में जो है हिबिस्कस के दो वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। एक देसी वैरायटी जो कि बहुत ही हार्डी होती है, वो किसी भी मिट्टी में बहुत आसानी से चल जाती है, उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। बात करी जाए अगर देसी वैरायटी की, तो उसमें भी सिंगल पेटल और मल्टीपल पेटल दोनों आता है। मेरे पास इस समय जो देशी वैरायटीज हैं उसमें मेरे पास जो है वो सिर्फ सिंगल पेटल के फ्लावर्स हैं वाले हिबिस्कस हैं। ये जो आप हिबिस्कस देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी का है और इसमें मल्टीपल पेटल के फ्लावर आते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, बात करी जाए अगर हिबिस्कस की, तो इनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है और फ्लावरिंग पीरियड होता है वो समर ही होता है। तो ऐसे में इनकी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। बात अगर समर केयर की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्टिलाइजर की। जब भी हम अपने हिबिस्कस के प्लांट को जो है पॉट के अंदर लगाते हैं तो 25% जो है गार्डन सॉयल, 25% रिवर सैंड, 40% वर्मी कंपोस्ट और 10% कोको पेट लेकर हमें इसको लगाना चाहिए। यहां पर मैं 40% वर्मी कंपोस्ट इसलिए लेने को कह रहा हूं क्योंकि हमारे हिबिस्कस के जो प्लांट होते हैं इनके फ्लावर भी साइज में बड़े होते हैं, इनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करनी होती है। इस वजह से ये थोड़ा हैवी फेडर होते हैं, इनके न्यूट्रिशन वैल्यू हमको अच्छी रखनी पड़ती है जिससे इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग अच्छी हो। बात अगर मेरे इस हिबिस्कस के प्लांट की जाए तो ये मेरा सैफरन कलर का हिबिस्कस का प्लांट है जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी से शेयर किया था। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर बर्ड्स आई हुई हैं। आज तो सिर्फ एक ही फ्लावर खिला है, वरना इसमें जो है 2 से 3 फ्लावर जो है वो डेली खिलते हैं। इसको मैंने जैसे ही मार्च का महीना आया मैंने अच्छे से जो है वर्मी कंपोस्ट देकर जो है मिट्टी के अंदर मिला दिया। ये मेरा प्लांट ग्राउंड पर लगा हुआ है। अगर आपका प्लांट जो है गमले के अंदर लगा हुआ तो आप उसके अंदर से 1 या 2 इंच की जो है मिट्टी जो है निकाल लीजिए और उसमें अच्छे से जो है वर्मी कंपोस्ट आप बिछा दीजिए। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट को जब आप अच्छे से बिछाएंगे तो 2 काम वो करेगा, आपके प्लांट को जो है वो समर की हीट से बचाएगा मल्चिंग के कारण, और दूसरा जो है आपके प्लांट को अच्छी फीडिंग भी देगा। आप मल्चिंग करने के बाद जो है वर्मी कंपोस्ट का उसके ऊपर से जो है मिट्टी को भी बिछा सकते हैं। दूसरी चीज, आपका ये प्लांट जो होता है इसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है, साथ ही साथ पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर की इसको जरूरत होती है। तो आप वर्मी कंपोस्ट देकर ही सिर्फ मत रुक जाइए, आप इसको बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइजर, इसके साथ जो है ऑरेंज फील का लिक्विड फर्टिलाइजर ये भी देते रहिए। साथ ही साथ जब भी आप इनके अंदर इस तरीके के लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, आप जो है काउडंग का भी लिक्विड फर्टिलाइजर इनको दे सकते हैं। गर्मियों में काउडंग का जो सॉलिड फॉर्म होता है वो मैं देने को नहीं कहूंगा, लेकिन आप इनका लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं और जब भी आप इनके लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए तो उसमें थोड़ी सी मात्रा विनेगर की मिला दीजिए। यहाँ पर मेरे ये रोज के प्लांट है जिसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। थोड़ा मैं गार्डन में जो है कंस्ट्रक्शन का भी वर्क मैंने करवाया है, एक क्यारी बनवाई है यहाँ पर, चूंकि ग्राउंड पर जब आप गार्डनिंग कीजिए तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है जब तक वो वेल मैनेज ना हो, तो अब थोड़ा जो है इसके अंदर मैं वर्क करवा रहा हूँ जिससे अच्छा लगे। तो जब भी आप अपने हिबिस्कस के प्लांट को जो है फर्टिलाइज कीजिए, चाहे फिर वो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर हो, ऑरेंज पील का लिक्विड फर्टिलाइजर हो, किचन वेस्ट का हो या फिर काउडंग कंपोस्ट का हो, उसमें आप अगर 1 चम्मच विनेगर की मात्रा को मिला देंगे तो वहां पर जब आप अपने प्लांट के ऊपर साए उनका स्प्रे करेंगे या फिर जो है आप मिट्टी के अंदर जो है उस फर्टिलाइजर को डालेंगे तो आपकी सॉइल को जो है वो एसिडिक बनाएगा। इससे जो है आपके प्लांट को अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग अच्छी होगी। एक प्रॉब्लम और हिबिस्कस के प्लांट के अंदर समर में जो देखी जाती है वो बड ड्रॉपिंग की देखी जाती है।
है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो बर्ड्स गिरती हैं। तो इसकी जो है मैं 3 से 4 वजह आपको बताऊंगा। पहली वजह जो हो सकती है वो अच्छे न्यूट्रिशन बैलों की ना होना का ना होना। तो ऐसे में जो है मैंने अभी आपको जो बताया कि वर्मी कंपोस्ट अच्छे से आप अपने प्लांट को दे दीजिए, उसके बाद जो है लिक्विड फर्टिलाइजर जो है अच्छे से देते रहिए, इन सारी चीजों से जो है उस चीज का जो सोल्यूशन आपको मिल सकता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे प्लांट के अंदर जो है ढेर सारी बर्ड्स भी बनी हुई है और अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। दूसरा रीजन जो हो सकता है बर्ड ड्रॉपिंग का, वो होता है किसी फंगस या जो है किसी माइट का अटैक। आप अपने प्लांट पर जो है गर्मियों के समय में नीम ऑयल को जो है डिटर्जेंट में मिलाकर या फिर जो है उसमें थोड़ी मात्रा लहसुन और मिर्ची की मिलाकर अपने प्लांट के ऊपर जो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाकर इनके ऊपर स्प्रे कीजिए, अगर वो प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व हो सकती है। तीसरी चीज जो है ये हो सकता है कि आपके प्लांट को धूप बहुत ज्यादा मिल रही होगी। वैसे तो हिबिस्कस का प्लांट जो होता है वो अच्छी धूप मिलने पर ही उसके अंदर अच्छी ग्रोथ होती है और अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हिबिस्कस के प्लांट जो है वो विंटर में बिल्कुल डोरमेशी में चले जाते हैं और जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं इनके अंदर ग्रोथ और फ्लावरिंग अच्छी आ जाती है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि हमारे प्लांट को जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो धूप मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो ऐसे में प्लांट जो है वो गर्मी के कारण अपनी बड्स को जो है गिराता जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर ग्राउंड पर लगा है फिर तो वो किसी तरीके एडजस्ट कर जो है आप उनके अंदर अच्छे, अगर वाटरिंग जो है टाइम से अच्छे से करते रहेंगे, लेकिन अगर धूप बहुत ज्यादा लगेगी और पॉट के अंदर लगा हुआ है तो वहां पर बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आएगी। आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इनको 5 से 6 घंटे की धूप मिले तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर अपने प्लांट को जो है ग्राउंड पर लगा रखा है या फिर जो है पॉट के अंदर लगा रखा है तो वहाँ पर मल्चिंग एक सोल्यूशन है। आप अपने प्लांट को जो है खराब पत्तियों उनकी जड़ों के पास बिछा दीजिए, पॉट के अंदर जो है खराब पत्तियाँ बिछा दीजिए। इससे आपका प्लांट जो है वो हीट से बचेगा, ओवर हीटिंग से, और उससे जो है आपके प्लांट की जो बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपके पास, मैंने अभी कल वीडियो शेयर की थी, अगर आपके पास लकड़ी की राख हो तो उसको भी आप मिट्टी के अंदर मिला दीजिए, अच्छी न्यूट्रिशन बैलू देता है, साथ ही साथ जो है वो फंगस और अदर डिजीज से आपके प्लांट को बचाता है। और मल्चिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप उसको उसकी एक लेयर अपने प्लांट के पॉट की मिट्टी या फिर ग्राउंड पर बना देंगे तो वहां पर भी जो है काफी ज्यादा इसके इस प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन इसका मिल सकता है। अब दूसरी चीज जो है, अब मैं बात करूंगा आपके प्लांट पर जो है अगली प्रॉब्लम जो बड ड्रॉपिंग की आती है वो कम वाटरिंग या फिर ओवर वाटरिंग से आती है। जब भी हम अपने प्लांट में जो है ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो हमारे हिबिस्कस के जो प्लांट होते हैं वो अपना कुछ ना कुछ साइन देने लगते हैं कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसा कि होता क्या है कि कभी कभार पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, बर्ड पीली होकर गिरने लगती हैं, तो ओवर वाटरिंग से आप अपने प्लांट में बचिए। अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो जो है उनकी मिट्टी को चेक करके उनको वाटर दीजिए, अगर आपने उनको ग्राउंड पर लगा रखा है तो आप जो है वहां पर भी जो है जब देखिए कि मॉइस्चर थोड़ा कम है तभी आप वाटरिंग कीजिए। हालांकि ग्राउंड पर जब लगा होगा तो उनको डेली वाटरिंग की जरूरत पड़ेगी, वहां पर मॉइस्चर जो है हर मॉर्निंग में आप इनके अंदर वाटरिंग अगर करेंगे तभी अच्छा मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अंडर वाटरिंग भी आपका प्लांट नहीं होना चाहिए। कभी कभार ये बड ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम है ये अंडर वाटरिंग से शुरू होती है, क्योंकि अंडर वाटरिंग भी जब आपका प्लांट रहेगा तो कम पानी की वजह से जो है अच्छा मॉइस्चर लेवल इसके तनों के अंदर नहीं रहेगा, स्टेम के अंदर, जिससे जो है आपकी बड्स को जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो उस तक पहुंचनी चाहिए वो वाटर की कमी की वजह से नहीं पहुंच पाता और बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आपके प्लांट में शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इन तरीकों को अपनाकर हम अपने प्लांट के अंदर अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के साथ साथ बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों हिबिस्कस का प्लांट बहुत ही कॉमन प्लांट है जो लगभग सभी गार्डनर के गार्डन में होता ही होता है, तो आप सभी भी अपने प्लांट की ऐसे ही केयर कीजिए और ढेर सारी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ अपने प्लांट के अंदर पाते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।